नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर, मैं हूं आदेश पुरी। आज सुबह सुबह एक खबर आई कि बिहार से आनंद विहार को जाने वाली एक बस, ट्रेवल पॉइंट की बस जो है वो मैनपुरी के करहल के पास डिवाइडर से टकरा गई और उसमें सवार थे 75 लोग, एक लोग की मौत हुई है और लगभग 35 लोग घायल हुए, जिसमें से 4-5 लोगों की जो स्थिति है वो काफ़ी सीरियस है। आपको हम बताएं कि जो लखनऊ से आगरा का जो एक्सप्रेसवे है वो बिहार से जाने वाले बसों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट का पॉइंट बना हुआ है। हम आपको कुछ आंकड़े बताएंगे, कुछ ही आंकड़े बताएंगे, जिसमें बिहार से जो बसें दिल्ली जाती हैं या दिल्ली से जो बिहार आती हैं वो अमूमन एक्सीडेंट करती ही हैं और एक्सीडेंट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है। और सबसे बड़ा जो इसका कारण बताया जाता है वो बताया जाता है कि इतनी दूरी है, लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी पड़ती है बिहार के विभिन्न शहरों से दिल्ली का, और ड्राइवर जो हैं वो दो ही रखे जाते हैं और बस काफ़ी रफ्तार में होती है और बस का जो क्वालिटी होता है वो भी उसको ज़बरदस्ती वैसा बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उसके परमिट में भी कुछ गड़बड़ी होती है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं, कुछ आंकड़े हैं जिससे ये पता चलता है कि लखनऊ से आगरा के बीच का जो एक्सप्रेसवे है वो कैसे, जो बिहार से बसें जाती है क्यों, और हमेशा वहाँ पर वो एक्सीडेंट करती है और ज़्यादातर ये मामला जो है वो सुबह के समय में ही होता है। सबसे पहले आज जो हुआ, आज मामला हुआ मैनपुरी के पास, एक मौत हुई और लगभग 35 घायल हुए, 70 यात्री थे। और जो इसका प्राथमिक कारण बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने लगी थी और वो जाकर एक खंभे में मार दिया, नींद झपकी आई और खंभा से टकरा गया बस। वही आपको हम बताएं कि 7 जुलाई को भी हुआ था, मैनपुरी में भी हुआ था, जिसमें भी ड्राइवर को नींद आई और बिहार से जाने वाली बस जो है वो जाकर डिवाइडर से टकरा गई। 75 यात्री बैठे हुए थे बस में, 18 घायल हुए और गनीमत रही कि किसी की मौत नहीं हुई। वही 29 जून की हम बात करें तो एक खड़ी बस में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। बस जो थी वो जयपुर से बिहार आज जा रही थी, फिरोजाबाद के पास ये घटना हुआ और 5 लोगों की मौत हो गई इस घटना में। वही 31 मार्च की अगर हम बात करें, कन्नौज में हादसा हुआ जिसमें सिवान से दिल्ली जाने वाली बस जो थी जिस पर 50 यात्री सवार थे और इसमें भी एक्सीडेंट हुआ और इसका ही वजह जो था वो ड्राइवर का नींद में आ जाना चलाते चलाते, जिसके कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये और इसमें 30 लोग घायल हुए। वही 26 अप्रैल की बात करें, कन्नौज में हुआ जिसमें राजस्थान से बिहार अब बस आ रही थी, लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन के डर से लोग भाग रहे थे वहाँ से, राजस्थान से 150 लोग बस में सवार थे और 15 लोग इसमें घायल हुए इस एक्सीडेंट में। वही 1 जनवरी की बात करें तो कंटेनर से बस टकराई, उन्नाव में ये घटना हुआ, 4 लोगों की मौत हुई, 30 घायल हुए और वजह कोहरा बना। वही बात करें अगर हम 30 अक्टूबर 2020 को, तो उन्नाव में भी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें दिल्ली से बिहार बस आ रही थी, 1 लोग की मौत हुई और 35 घायल हुए। वही 18 नवंबर 2020 की बात करें तो कन्नौज में हादसा हुआ, बस जो है समस्तीपुर से दिल्ली जा रही थी, 80 लोग सवार थे, 1 मौत हुई और 80 लोग इसमें जो है कि मैक्सिमम 80 लोग जो है वो घायल हुए और इसका भी वजह जो था वो ड्राइवर का नींद लगना था। ये तो घटना हुआ। अब आपको हम बताते हैं पूरा कहानी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और क्यों लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे ही घटनाएं घटता है। आपको बता दें कि बिहार में ट्रेन में भीड़ होने के बाद से और सड़कें जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश की ठीक होने के बाद से ट्रेवल पॉइंट और बहुत सारी जो बस कंपनियों ने जो है वो बिहार के विभिन्न जिलों से दिल्ली के लिए डायरेक्ट बस सेवा की शुरुआत की। और ये बस जो हैं वो गोरखपुर होते हुए, और जैसे जो उत्तर बिहार की बसें चलती हैं वो गोपालगंज, फिर से वहाँ से गोरखपुर होते हुए लखनऊ पहुँचती है और वहाँ से एक्सप्रेस वे पकड़ती है। पूरा रास्ता 4 लेन का है। आपको हम बताएं कि जितनी भी बसें चलती हैं ये सारी की सारी बसें यूपी की परमिट पर चलती हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में ही चलने का इनको अधिकार होता है, लेकिन ये बसों, इन बसों का शुरुआत होता है बिहार से, मुजफ्फरपुर से चलती हैं, मोतिहारी से चलती हैं, बेतिया से चलती हैं, फिर से आपको पता है कि हाजीपुर से चलती है, पटना से, लगभग अमूमन अब तो सीमांचल के भी जिलों से शुरुआत हो गई है। और ये बसें जो हैं ये
जो एक होता है ना पैमाना हम लोग के बोलचाल में कि वॉल्वो नाम दे दिया जाता है, लेकिन हम लोग चक्का पर ही गिनते हैं कि कितना चक्का वाला बस है। तो छः चक्के पर, छः पहिए पर ये चलती हैं बसें, और काफ़ी लंबा डबल डेकर जिसमें स्लीपर और बैठने वाला दोनों व्यवस्था होता है, और ये बसें जो हैं कम से कम 10 पहियों पर इसे चलना चाहिए जो वॉल्वो का स्टैंडर्ड होता है, लेकिन इसको सरासर दरकिनार किया जाता है। और ये बसें जो है बिहार सरकार को इन बसों से कोई राजस्व का फायदा नहीं होता है। देखिए तो ये बसें, जो भी बसें चलती हैं वो सारे यूपी नंबर की होती है, लेकिन वो आते बिहार तक हैं, शुरुआत उसका बिहार से होती है, और मैक्सिमम 99% जो यात्री होते हैं वो बिहार के ही होते हैं, और ये बसें उस क्वालिटी की नहीं होती हैं। इनका इंजन जो है वो साधारण बसों की तरह ही होता है, केवल इनका बॉडी बनाया बड़ा बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें रखा बैठाया जा सके, और स्टैंडर्ड उसका फिर से नहीं फिक्स होता है। ये लोकल जो बॉडी बनाते हैं, जो उस्ताद होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं शहरों में, वो ही इनका बॉडी का निर्माण करते हैं, और इनका जो बस का जो बॉडी है वो स्टैंडर्ड नहीं होता। और सबसे बड़ी बात बताएं आपको, दो ड्राइवर ही इसे लेके जाते हैं, एक लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी होती है, और अमूमन हम देखते हैं कि दोपहर में 2-3 बजे से ये बसें खुलती हैं, और रात को जो है ये 11 बजे 12 बजे के आसपास लखनऊ पहुंचती हैं, या फिर दिल्ली से जो खुलती हैं वो भी 11-12 बजे तक जो है वो शाम को खुलती हैं, 2-3 बजे खुलती हैं, और लखनऊ पहुंचने के बाद बिहार से जो ट्रेनें बसें चलती हैं एक्सप्रेसवे पे पहुंचती हैं, और मैनपुरी हुआ, फिरोजाबाद हुआ, उन्नाव हुआ, ये जगह पहुँचते पहुँचते 2-3 बजे सुबह का समय होता है। दो ही ड्राइवर होते हैं इसमें, और ये ऐसा समय होता है कि कोई भी आदमी चाहे वो दिन में कितना भी सोया हो लेकिन उसको हल्का आलस होता है, सुबह के समय में उसको नींद आता ही आता है, और इसी नींद में हो जाता है बड़ा कांड, वो या तो किसी गाड़ी में टक्कर मार देते हैं, या फिर झपकी आता है तो डिवाइडर में मार देते हैं। तो आपको बताएं कि लखनऊ से आगरा के बीच में जो एक्सप्रेसवे है वो बिहार से चलने वाली बसों के लिए बड़ा ही खतरनाक एक्सप्रेसवे है, और अमूमन हम हर एक समय सुनते हैं, हर एक महीने सुनते हैं कि एक दो एक्सीडेंट हो ही जाता है। फिर से आपको बताएं कि ये जो ड्राइवर होते हैं इन ड्राइवरों का कोई पैमाना नहीं है, ये भी कहा जाता है कि चूंकि बिहार में शराबबंदी है तो यहाँ से जो बसें जाती हैं वो गोरखपुर और लखनऊ में स्टॉपेज होता है उनका, वहाँ पर वो शराब का सेवन भी करते हैं, और वो शराब जो है उनके लिए कहर बन के टूटता है एक्सप्रेसवे पर, और वहाँ पर जाकर वो शराब के नशे में होने के कारण उनको नींद भी आती है, और वो नशे में जो है वो एक्सीडेंट करा देते हैं। इसके अलावा आपको हम बताएं कि बिहार में भी इन बसों का बहुत सारा हादसा हुआ है। कुछ साल पहले ही आपने सुना होगा कि मोतिहारी में एक बस जो है वो सीधे जाकर गिर गई वो सड़क से नीचे रफ्तार में पूरा, और देखते ही देखते बस में आग भी लग गया। पहले अफवाह उड़ा कि 50 लोगों की जलकर मौत हो गई है, प्रधानमंत्री तक ने शोक संवेदना व्यक्त कर दिया, लेकिन जब बाद में जांच हुआ, जब FSL की टीम पहुंची तो एक भी व्यक्ति का मरने का उसमें से ये नहीं मिला, प्रूफ नहीं मिला, उसका साक्ष्य नहीं मिला। और इसके अलावा भी आप हमेशा सुनते होंगे जो ये बिहार से जो 4 लेन यूपी को जाती है और यूपी से एक्सप्रेस वे जाती है वहाँ पर इन बसों का हादसा होता ही होता है। दूसरी बात, जो ड्राइवर होते हैं वो ड्राइवर ट्रेंड नहीं होते हैं, वो लोकल पटना से अन्य जिलों तक चलाने वाले हैं, और जब बसें आती हैं तो वो जब दिल्ली जाने वाली बसें होती हैं उस पर वो भी चलाना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि एक्सप्रेसवे पर जो है वो गाड़ियों की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, अमूमन देखा जाता है तो उस पर बस जो है 120-130 के रफ्तार में चलती है, और हल्का सा भी गलती जानलेवा साबित होता है और एक्सीडेंट हो जाता है। इसके अलावा यही बताएं कि जो बस जो है वो उतनी कैपेसिटी की नहीं रहती है कि वो एक्सप्रेसवे पर उतने सारे लोगों को लेकर चलने वाला हो, तो ले देकर जो है जो बिहार से जो भी बस दिल्ली को जाती है वो सबसे पहले तो बिहार का राजस्व नहीं मिलता है, दूसरा है कि वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह का मजबूत नहीं होता है, इंजन वैसा नहीं होता है, ड्राइवर उतने ट्रेंड नहीं होते हैं। फिर से आपको ऐसी खबरें मिलती हैं कि यात्री और ड्राइवर गोरखपुर लखनऊ में पहुंचने के बाद शराब का सेवन करते हैं, और सुबह का टाइम 2-3 बजे सुबह का टाइम होता है लखनऊ से आगरा के बीच का, वो सुबह का टाइम में झपकी आता है और वो एक्सीडेंट जरूर करता है।
तो एक मौत का जो है वो बना हुआ, एक्सीडेंट का एक्सप्रेसवे बना हुआ है लखनऊ से लेकर आपको आगरा का एक्सप्रेसवे, जहां पर हमेशा हमने 7-8 आपको एग्जाम्पल बताएं, लेकिन देखा जाए तो ये बिहार से जाने वाली बसों का आपने एग्जाम्पल हमने बताया, तो देखा जाए तो बहुत सारे वहां पर एक्सीडेंट होते हैं और उसका सबसे बड़ा कारण होता है सुबह के समय पहुंचना, मादक पदार्थों का सेवन करना और ज़्यादा स्पीड होना, सतर्क नहीं होना। एक्सप्रेसवे का मतलब है कि आपको ज़्यादा सतर्क भी रहना है गाड़ी चलाते समय में, वो सतर्कता नहीं रहती है जिसके कारण दुर्घटना होती है। तो ज़रूरत है बिहार सरकार को, जो दिल्ली चलने पर बिहार से दिल्ली चलने वाली जितनी भी बसें हैं उनका जो परमिट है उसकी जाँच की जाए, उसके क्वालिटी को जाँच किया जाए, उसके स्टैंडर्ड का जाँच किया जाए और जो ड्राइवर हैं उनको एक पूरे प्रशिक्षण और उनके ट्रायल एक तरह से एग्जामिनेशन के बाद उनको परमिशन दिया जाए। वरना, और सबसे बड़ा बात, एक और बात मैं बताना भूल गया आपको कि ये बस जो हैं ये ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो कैपेसिटी है उससे कई दुगुना ज़्यादा यात्रियों को ठूस ठूस कर भरते भी हैं, जिसके कारण बस का जो है भार वजन ये सारा कुछ प्रभावित होता है और ये सारे कारण जो है एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, इससे सभी तरह का मान हानि है, लोगों की हानि है, फिर से आपको राजस्व की हानि है और आपको बताएं कि लोगों को एक डर में यात्रा करना पड़ता है। तो इस पर सरकार को कार्रवाई करने की ज़रूरत है, इसको संज्ञान में लेने की ज़रूरत है कि आखिर बिहार से दिल्ली जाने वाली या दिल्ली से बिहार आने वाली बसें जो हैं इतना एक्सीडेंट क्यों करती हैं। केवल ड्राइवर की गलती को ही नहीं थोपा जा सकता है, बहुत सारी इसमें और भी कमियां हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।